पिहोवा में मिलीभगत का सड़क के किनारे खड़े पेड़ अवैध रूप से काटने को लेकर एसडीएम पिहोवा को की शिकायत। आरोप है कि पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध के बावजूद लकड़ी के सौदागर सरयान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भरकर इन पेड़ों की लकड़ियों को लेकर फरार हो गए, जबकि इन हरे पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। जहां एक तरफ पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, वहीं वन विभाग को लाखों रुपए का चूना भी लगाया जा रहा है। गांव अयोध्या से पंजाब में कडान की तरफ सड़क जाती है। उस सड़क पर दोनों तरफ से शीशम और सफेदा के वृक्ष, जो 7 साल पहले जंगलात महकमा द्वारा लगाए गए थे, वे वृक्ष गाँव के कुछ लोगों ने लगभग 5-6 एकड़ की दोनों साइड के वृक्ष काट कर चोरी कर ले गए हैं। मेरा नाम बलविंदर सिंह, सन ऑफ हरदयाल सिंह, गांव अदोवा, तहसील प्योवर, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्रा। ये सरकारी सड़क है। सरकारी सड़क के दोनों तरफ टाली के पेड़े और सफ़ेदे के पेड़े कम से कम 5-6 किले की लंबाई है। पेड़े सारे इन्होंने काट के बेच दिए। किन्होंने काट दिए जी? ये अजायब सिंह के लड़के हैं, संजीव और रिंकू। तो इनको पूछा भी ये पेड़े क्यों काट रहे हो, सरकारी पेड़े हैं ये क्यों काट रहे हो, भाई सरकारी प्रॉपर्टी तहस नहस कर रहे हो आप। तो आगे से धमकी देते हैं, जो करना है आपने कर लो, हम तो 3 बार पहले भी काट चुके, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता तेरी धमकियों से। और आपने इसकी शिकायत की थी? शिकायत की है मैंने एसडीएम साहब पे, और ये इनका वन विभाग का महकमा जो पेवा वहाँ कुरुक्षेत्र भी है, इनका जो फॉरेस्ट महकमा उन पे भी गया मैं। अगर वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे इस पे, मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे, तो ये बोलते हैं मतलब क्या बिगाड़ लिया हमारा, क्या कर लिया हमारा, हम तो ये क्या हमारी परली साइड लगती है उस पे भी काटेंगे, और आगे से धमकी देते हैं। मेरा दिन रात का रास्ता खेत का ये जाने आने के लिए, धमकी देते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। तो एक तरफ तो सरकार बोलती है वृक्ष लगाओ, देश बचाओ, और एक तरफ सरकार के ही बंदे ये दरख्त कटा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे इनके ऊपर। 4-5-6 जगह मैं एप्लीकेशन दे चुका। मतलब यही है कि इन्होंने ना गवर्नमेंट के दरख्त काट कर भाई बेच दिए हैं, और इन्होंने बेची भी नहीं इतनी सफाई के साथ है कि इन्होंने अपना काम साथ के साथ साफ कर दिया है। कंप्लेंट की हुई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्हें टाइम मिला है, वीडियो भी बनी हुई है, फोटो भी खींची है, यहाँ पे काफ़ी टाइम से यहाँ पे पड़ा रहा था सामान, लेकिन इन्होंने ना मतलब कि कंप्लेंट होने के बाद कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इनको टाइम मिल गया साफ सफाई करने के। इन्होंने अपना बेच बूझ के साफ सफाई भी कर दी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आग भी लगाई हुई है इन्होंने सबूत मिटाने के लिए अपने। आग लगाने के साथ इन्होंने बाही करके किराया भी फेर दिया साथ के साथ, कि कोई सबूत ना रहे। जीरी आप देख सकते हो यहाँ पे धान भी इन्होंने साड़ा हुआ है साथ के साथ आग लगा कर। तो ये हम तो यही डिमांड करते हैं भाई, कार्रवाई होनी चाहिए। युवाओं को क्या संकेत मिलेगा इससे कि ये आप क्या कर रहे हो, हम कैसे भी पेड़ लगाएंगे अगर हमारे ये बेचते रहे काट काट के ऐसे, तो हम भी कुछ ना कुछ तो यही सोचेंगे क्या कर रही है गवर्नमेंट, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो मतलब ये तो कोई वो नहीं बनता ना, कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो यही मांग करते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए बंदों के ऊपर। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।